hello friends how are you hope you all are well let's start the subject evs of standard 5th page number 26 uh, dear students in previous session we discussed and learned about many things about seeds types of seeds okay

जर्मिनेटिंग सीड्स यानी पूरा जो सीड्स का जो प्रोसेस है उसका यहाँ पे मैंने मेरी तरह से ड्रॉ किया है ओके तो आप आपकी तरह लेकिन जो पूरा प्रोसेस है ओके उस हिसाब से ये जर्मिनेटिंग ऑफ सीड्स है ओके ये पिक्चर आपकी टेक्स बुक में ड्रॉ करना है एंड उसमें आपको कलर भी करना मैंने यहाँ पर कलर नहीं किया लेकिन आपको वो करना है ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स जब सबसे पहले सीड्स ओके okay, जो होता है लैंड के अंदर ओके okay, कोई भी हम ट्रीज़ देखते हैं तो उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ होता है जस्ट फॉर दी स्मॉल सीड्स ओके छोटे सीड में से बहुत ही बड़ा है वो ट्रीज बना हुआ होता है ओके okay? तो उसके बेस में ये सीड होते हैं तो सबसे पहले ये छोटा सा एक सीड्स है वो लैंड के अंदर होगा देन आफ्टर धीरे धीरे इस तरह उसकी पूरी प्रोसीजर्स होगी उसमें से उसका वो स्प्राउटिंग होगा ओके okay? थोड़ा पार्ट उसके नेक्स्ट लेवल में ग्रो होगा देन आफ्टर यहाँ पे आप देख सकते हो ओके okay? इससे ज़्यादा थोड़ा ग्रो हो रहा है देन आफ्टर हम आपने भी कभी कभी देखा होगा स्पेशली इन दीज रेनी सीजन ओके आपके घर के आसपास भी ये अभी आपको देखने मिलेगा देखना कहीं पे अगर आ, आपके आसपास भी पूरा ग्राउंड है तो छोटे छोटे ओके आ, जो प्लांट है वो आपको बाहर देखने मिलेंगे ओके कुछ इस टाइप के एंड देन आफ्टर इसके यहाँ पे ये जो मैंने लाइन है वो एज लाइक दैट लैंड है ओके जमीन इसके अंदर सीड्स होगा देन आफ्टर ग्रो होगा इस तरह और ये ऊपर की साइड लैंड के आता है देन आफ्टर इसके रूट लैंड के अंदर ज्यादा स्प्रेड होंगे एंड इस तरह ये बड़ा होता है ओके okay? यहां पे भी आप वही देख सकते हो नाउ थिंक एंड से वॉट इफ मैंगो फ्रूट डेवलप्स ऑन क्लाइंबर ऑफ गॉन ओके अगर ये जो मैंगो फ्रूट है ओके okay? uh, क्या होता अगर अभी मैंगो फ्रूट हम कहां पे देख सकते हैं, ओके? ऑन फार्मिंग में, ओके? Okay? क्योंकि वो बहुत ही uh, बड़ा ट्रीज होता है उसकी वजह से लेकिन अगर इसको कहीं पे भी क्लाइंबर ऑफ गॉड यानी कोई आपने देखा होगा हम छोटे छोटे फॉर एग्जाम्पल तुलसी है वो हमारे घर पे आ, कुछ प्लास्टिक का कोई भी थिंग्स होगा तो उसमें भी हम उगा सकते हैं छोटे कोई फ्लावर्स आ, का प्लांट है तो वो हम उसमें उगाते हैं तो अगर क्वेश्चन ये है कि अगर मैंगो फ्रूट को भी हम उसमें ही अगर प्लांटेशन कर पाते तो क्या होता जो प्लास्टिक का कोई भी यूटेंसिल है थिंग्स है अगर उसमें हम मैंगो ट्रीज को रोप कर पाएंगे उसमें ग्रो होगा नहीं होगा ओके okay? लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता ओके okay? तो इसके बारे में आपको सोचना है बिकॉज नेक्स्ट सेशन ओके जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम इसका आंसर लिखने ही वाले लेकिन उससे पहले आपको आपके तरीके से

स्ट इमेजिन अबाउट दैट ओके फॉर बोथ द्वेश्चन फर्स्ट वन इज अबाउट इफ वी मैंगो ट्रीज को अगर कोई प्लास्टिक या छोटे यूटेंसिल में अगर वो ट्रीज ग्रो हो पाते तो क्या होता अगर सेकेंड क्वेश्चन है अगर वर्ल्ड में सीड्स ही नहीं होते तो क्या होता उसके बारे में आपको सोच रहे हैं एंड हियर यू यू हैल्सो वन एक्टिविटी कीप दीड्स ऑफ वीट एंड कॉटन टूगेदर इन अ पीस ऑफ पेपर ओके आपको वीट एंड कॉटन के सीड से वो पेपर में एक साथ रखने सो द पोर्ट और अ फ्लावर बेड ओके आप उसको फ्लावर uh, बेड और पोर्ट में उसको शो कर सकते हो रख सकते हो ऑब्जर्व दैम फॉर टेन डेज ओके टेन डेज तक ऑब्जर्व करो यू विल लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दैट ओके सो हियर the third chapter is completed so from next session we will discuss and write of the exercise of this chapter thank you friends